गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास सिक्स्थ क्लास का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर ये है कि अनांसी इन ए फिक्स, अनांसी एक मतलब तय करता है, फिक्स मतलब तय करता है, क्या तय करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोरी बेसिक ऑन ए ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी मतलब क्या है, लोभी, लोभी पर्सन के बारे में ये है। ये क्या है कि स्टोरी में एक लोभी इंसान एक जगह से दूसरे जगह एट ए टाइम जाना चाहता है, दो जगह पे एट ए टाइम प्रेजेंट रहना चाहता है। उसका दौरान क्या क्या होता है, कैसे वो प्लानिंग करता है, क्या होता है रिजल्ट, उसके बारे में ये स्टोरी है। और इस स्टोरी का वर्ड मीनिंग जो है, स्टोरी का जो वर्ड मीनिंग है मैंने टोटली ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है निकल के, जैसे कि बिलोंग, फेस, फिक्स, रूडेंट, पेशेंट, सर्व, स्लाइड, विंग, डाउटफुल, फुली, रॉब, एग्रीड, फाइटेन, अंटिल, फाइट, स्प्रेंज, स्क्वीज, स्क्वीज्ड, सेप, थिन, रीड, वेस्ट एंड पॉप्ड। ये सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो डिफिकल्ट वर्ड है मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके लिखा हुआ लिख दिए हैं कि ये चैप्टर का जो भी डिफिकल्ट वर्ड जो है निकाल के हम यहाँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किए हैं। सो पहला चैप्टर पेज नंबर सेवन कम टू द पॉइंट। अनांसी इन ए फिक्स, अनांसी एक नाम है, अनांसी एक नेम है, एक पर्सन का नेम है। द सीधा पैराग्राफ। In the olden days, there were two villages in Africa, upper village and the lower village. Old Anansi, he did not know to which one he belonged. क्या है? एक पूर्व 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 दिन में, एक अतीत दिन में क्या है कि एक old people, old man, उसका नाम है Anansi, वो क्या है कि अफ्रीका में दो विलेज है, ऊपर विलेज एंड लोअर विलेज। वो इंसान ऐसा है कि उसको पता नहीं है, वो इंसान को पता नहीं है कि वो कौन सा विलेज को बिलोंग्स करता है, मतलब कौन सा विलेज का पर्सन है, इंसान है, उसको भी पता नहीं है। देखो, he would run one village to other hoping that he would get something. He ate their food, joined in their songs and dances and merry making and had fun. He was the trickster. That was the way Anansi was. क्या ये जो person है, एक village यहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाता है, जैसे कि ऊपर village में जाता है, lower village में भी जाता है, दोनों village में जाता है, जिस विलेज में खाना मिले उस विलेज में खाता है, सॉन्ग गाना गाता है, डांस करता है, उन लोगों के साथ एंजॉय करता है, जॉइंट होता है, उसके साथ फन करता है, मजाक मस्ती करता है। यहाँ ये गांव में हुआ तो ये गांव में जाता है, ये गांव में हुआ तो इस विलेज में जाता है, लोअर विलेज एंड अपर विलेज, ये अपर विलेज एंड लोअर विलेज। ये दोनों विलेज में जाता है, दोनों विलेज में जो भी रहता है, अगर अपर विलेज में कुछ है तो अपर विलेज जाता है, जाके क्या करता है, वहां पे डांस करता है, सॉन्ग्स गाता है, एंजॉय करता है, उन लोगों के साथ मिलता है, फन करता है, मजाक मस्ती करता है, जहां पे मिले वहां पे जाके करता है, मगर इसको खुद को पता नहीं वो कौन सा विलेज को बिलोंग करता है, कहा होना ये कौन सा विलेज का है। सो देखे ये ऐसे ही जिंदगी बिता रहा था। तो वन डे देयर वाज अ फीस्ट इन द अपर विलेज एज वेल एज द लोअर विलेज ऑन द सेम डे, दैट पुट पुअर अनांसी इन ए फिक्स, ही वांटेड टू गो टू बोथ फीस्ट। व्हाट शल आई डू, क्राइड अनांसी, आई कांट बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम, इट्स टू बैड। क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि अनांसी के जीवन पे क्या हुआ कि एक मतलब दोनों गांव में एक साथ एक
फीस्ट हुआ। फीस्ट मतलब क्या है? फीस्ट मतलब भोज, भोज का आयोजित हुआ, कुछ प्रोग्राम हुआ एक ही टाइम में, वो एट ए टाइम, एक ही टाइम में, एक दिन वही सेम टाइम में का भोज हुआ, फिक्स फिस्ट हुआ। और वो ऐसा था कि वो दोनों दोनों विलेज में वो फिस्ट में प्रेजेंट होना चाहता था, प्रेजेंट होना चाहता था एक ही टाइम में, एक वन टाइम मतलब एट ए टाइम, एट ए टाइम, एट ए टाइम में क्या करना चाहता था? प्रेजेंट रहना चाहता था। वो दो जगह पे एट ए टाइम वो कैसे प्रेजेंट रह पाएगा? इट इज इम्पॉसिबल। वो सोच के ना, वो सोचते सोचते बहुत दुखी हो गया था, मतलब रो पड़ा था, रो पड़ा था। और वो सोच रहा था कि वो कैसे जाए, आई कांट बी इन ए टू प्लेस। वो समझ गया था कि मैं कभी भी एट मतलब टू प्लेस में मैं एट ए टाइम में कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, एट ए टाइम कभी मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। प्लीज एट द सेम टाइम इट्स टू बैड। इसके लिए क्या हो गया था? बहुत खराब हो गया था, जे सिचुएशन उसका बहुत खराब हो गया था। तो ही थॉट एंड ब्रूडेड एंड ब्रूडेड, ही कॉल्ड आउट टू हिज सन्स इंतिकुमा एंड वैक्सीन। दे केम रनिंग, यस फादर, यू दे सेड, डिड यू कॉल? Listen, said Anansi. Hey, I have problem. And he told about it. क्या हुआ? वो सोचते रुका, सोचते रुका, सोचने सोचने के बाद क्या किया? उसको बच्चा को बुलाया, उसका दो बच्चा थे, क्या पे क्या कितना बच्चे थे? दो बच्चा थे। एक बच्चे का नाम था इंतकुमा, इंतकुमा, और दूसरे बच्चा का नाम था क्वेकुस्टिन, क्वेकुस्टिन। वो दो बच्चों को बुलाया तो आए बच्चे, पूछे कि पापा हमको बुलाए क्या? तभी वो पापा बोल रहा है, यस आई हैव प्रॉब्लम, मुझे कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो सारा वो बताया। सो जितना जैसे कि ये बताया कि वो दो विलेज में एट ए टाइम सेम टाइम, एट ए सेम टाइम में फिस्ट को वो पहुंचना चाहता था। वो दोनों फिस्ट को एक साथ अपर और लोअर विलेज में साथ में पहुंचना चाहता था, ये पहुंचना चाहता था। वो सारे बात उनका बच्चे को, उनको बच्चे को बताया। द सन्स लिसेंड पेशेंटली, देन दे ट्राई टू टेल हिम दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम, बट वुड अनंसिस लिसन? नो, नॉट ही, ही वांटेड टू बी एट द बोथ फेस। क्या हुआ कि ये दो बच्चे क्या किए, उसका दो बच्चे उसको क्या क्या बोले कि समझाए, उसको समझाए। इट वाज नॉट पॉसिबल, ये संभव मतलब संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? क्योंकि आप एक इंसान दो फीस के अंदर एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे, एक मतलब आप दो जगह पे एट ए टाइम, एक टाइम मतलब एक टाइम में वहां पे पहुंच नहीं पाओगे। बोल के वो दोनों बच्चे बोले, मगर ओ अनंसी सुनने में तैयार नहीं था। वो चाहता था, वो बोलता था कि आई वॉन्ट टू बी बोथ साइड, मतलब बोथ फीस, मतलब उसको वो बोथ दोनों फीस का बोझ खाना था। उसको क्या करना था? दोनों फीस का बोझ खाना था। Suddenly he said, I know, I have an idea. I will go to the place where the food is served first. After I have eaten there, I will go to the other place. Aren't I clever? Kya hua? Suddenly reh gaya aur bola ki, I know, mujhe pata hai. मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक सोच मतलब एक आइडिया आया मेरा दिमाग में। वो क्या है? जो जिस विलेज में, लोअर विलेज हो या ऊपर विलेज हो, जिस विलेज में पहले सर्व करेंगे फूड को, पहले सर्व मतलब क्या? सर्व मतलब सेवा करना, जैसे कि कुछ चीजों को देना, पहले सर्व मतलब बांटना, सर्व सेवा करना वो बांटना, वो फूड जो जो विलेज में फर्स्ट में पहला सर्व करेंगे, दे मिलेगा
उस विलेज को पहले जाएंगे और पहले खाना खा लेंगे और दूसरे विलेज को चले जाएंगे। और बोल रहा है मैं क्या क्लेवर नहीं हूँ क्या, मैं क्या क्लेवर नहीं हूँ क्या, बोल के पूछ रहा हूँ उनके बच्चे को। बट हाउ विल यू नो वेयर द फूड इज सर्व्ड फर्स्ट फादर आस्क्ड बोथ द बॉयज। क्या मगर वो दोनों बच्चे उसके पापा को पूछे, पापा आपको कैसे पता चलेगा कि पहला कौन सा भोज में खाना मिलेगा, कौन सा भोज में पहले खाना मिलेगा। तो